युवाओं में नव क्रांति के अग्रदूत तथा आम लोगों में गुरुदेव के नाम से प्रसिद्ध भास्कर राव रोकड़े ने गुरुवार को प्रेस क्लब ऑफ इंडिया नई दिल्ली में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित कर उनसे बड़ी भूल हो गई है। शीघ्र भूल सुधार न करने से वैश्विक मंच पर भारत की छवि पर विपरीत असर पड़ सकता है। रोकड़े ने कहा कि आज भी यह प्रचारित किया जाता है कि 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक भारत में निरंकुश प्रणाली से शासन चलता रहा तथा आंतरिक व्यवस्था व सुरक्षा के नाम पर इंदिरा गांधी के विरोधियों को जेल में डाल दिया गया, जिसके कारण नरेंद्र मोदी की सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रतिवर्ष 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में याद किया जाएगा। इस आशय का नोटिफिकेशन भारत के राजपत्र में 12 जुलाई 2024 को प्रकाशित किया गया है। रोकड़े ने कहा कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने, प्रमुख खनिजों की खदानों का राष्ट्रीयकरण करने, राजा महाराजाओं के प्रिवी पर्स बंद करने के बाद पूंजीपतियों ने इंदिरा गांधी को घेरने हेतु सारी सीमा को लांघना शुरू कर दिया था। इसी बीच भारत पाक युद्ध में पाकिस्तान को दो टुकड़ों में बांटकर मिली सफलता के बाद भारत की बाह्य व आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था एकदम संवेदनशील स्थिति में पहुंच गई थी। तब इंदिरा गांधी ने आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था में खतरे की आशंका से राष्ट्रीय आपातकाल लगाने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर दी थी। देखिए, संविधान हत्या दिवस घोषित होने के साथ ही भ्रांतियां फैल गई है पूरे देश में। एक तो पहली बात यह है कि हमारे यहाँ किसी व्यक्ति की भी मृत्यु हो जाती है तो उस दिन को हत्या दिवस के रूप में नहीं याद किया जाता। महात्मा गांधी की हत्या हुई, लेकिन आज भी हम जिस दिन उनका निधन हुआ था, जिस दिन उनकी हत्या हुई थी, उस दिन को पुण्यतिथि के रूप में याद करते हैं। संविधान हत्या दिवस कहना, ऐसा लगता है कि किसी ने संविधान की उस दिन हत्या कर दिया। ऐसा संभव ही नहीं है। संविधान की हत्या तो करना तो बात दूर की है, संविधान की कोई उपेक्षा भी नहीं कर सकता। चाहे प्रधानमंत्री जी हो, चाहे राष्ट्रपति जी हो, सब या तो नया कानून बना सकते हैं, नए कानून जोड़े जा सकते हैं, कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है, बना सकते हैं। लेकिन संविधान की हत्या करने वाली बात अपने आप में बड़ी हिंसक टाइप लग रही है, ये बिल्कुल गलत है। और यदि संविधान की हत्या 25 जून 1975 को हो गई तो उसके बाद में इन 49 सालों में हम किस संविधान के भरोसे चल रहे हैं? नया संविधान तो बना नहीं, उस संविधान के तहत उसी पुराने संविधान के की शपथ ले रहे हैं। सरकार बनती है तो उसी संविधान के आधार पर जो आपातकाल लगा था उसको भी हटाया गया, उसी संविधान के आधार पर सरकारें चल रही है, उसी संविधान से हमारा पुलिस प्रशासन धारा उक्त कार्रवाई कर रहा है। आपका क्या कहना है? हमारा कहना है कि संविधान हत्या दिवस एकदम गलत शब्द का उपयोग किया गया है, इससे हिंसा के भाव प्रतीत हो रहे हैं। दूसरी चीज, प्रतिकार के भाव भी प्रतीक्षित हो रहे हैं। 49 साल पहले की किसी घटना पर हत्या होना हम घोषित अभी नहीं कर सकते जब तक कि उसकी वैकल्पिक व्यवस्था न दी जाए। कोई वैकल्पिक व्यवस्था तो दी नहीं गई, नया संविधान बना ही नहीं, तो फिर हत्या दिवस कैसे घोषित कर दिया आपने? सरकार से कोई मांग है इस मुद्दे को लेकर? हमारा आग्रह है सरकार से, हमने सरकार से आग्रह किया है, प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है आग्रह करते हुए कि प्रधानमंत्री जी, ये संविधान हत्या दिवस जो घोषित किया गया, ये सही शब्द हमको नहीं लग रहा है, इस निर्णय को बदल दिया जाए। दिवस दे हत्या दिवस ना तो कौन सा दिवस रखा जाए ना, ये सरकार का काम है। उस दिन को तो कोई दिवस घोषित नहीं कर सकते, 49 साल 50 साल पहले की दिवस को क्या घोषित करोगे आप? इतने सालों के बाद में क्या इसी जरूरत अन पड़ी है? अगर हत्या हो गई संविधान की तो फिर किस संविधान के भरोसे सरकार चल रही है? NBC न्यूज के लिए नई दिल्ली से ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर फिशर भगंदर पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। कॉल या विजिट करें www.pilesfistulacure.com।